सो गाइस, पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम हरिद्वार घूमने आए और हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं रोपवे के लिए। सो बहुत देर में हमारा नंबर आया और फिर हम गए ऊपर मनसा देवी की पहाड़ी के ऊपर। सो गाइस, ये हम चल चुके हैं। सो जो हमारी वाली केवल कार थी उसमें थे मैं, मोहित और पापा, और बाकी सारे अगली वाली में थे। और गाइस, यहाँ से नज़ारा देखो, यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है ना, यहाँ से जो व्यू मिल रहा है वो बहुत मस्त है यार। सो गाइस, इसके बाद हम मनसा देवी मंदिर में गए, लेकिन अंदर बहुत भीड़ थी तो मनसा देवी ज़्यादा अंदर नहीं गए, लेकिन उसके पीछे एक पहाड़ था पर हम फोटोज़ क्लिक कर सकते थे। सो गाइस, मंदिर के बाद हम आए यहाँ पर हमने थोड़े बहुत शॉर्ट्स लिए और थोड़ी बहुत फोटोज़ क्लिक की। और गाइस, वो देखो, वो रहा मनसा देवी मंदिर। हम मंदिर के ज़्यादा अंदर नहीं गए थे और मंदिर के बाद हम यहाँ गए थे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, बिकॉज़ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। सो गाइज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी बिकॉज़ जो लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे भीड़ की वजह से, वो लोग यहाँ पर आ रहे थे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। सो गाइज, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी था। उत्तराखंड के हर पहाड़ पर आपको हर जगह ऐसे छोटे छोटे मंदिर दिखाई देंगे, और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा मस्त था। और हमारे साइड में ही एक पहाड़ भी था जो इससे भी बड़ा था। Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can't. So guys, यहाँ से बहुत मस्त व्यू आ रहा था। और गाइज, जो मैंने आपको रास्ते में दिखाया था ना बड़ा वाला, यहाँ से वो भी विजिबल था। जस्ट मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, वो देखो, वो रहा। और गाइज, यहाँ से ऑलमोस्ट सारे ब्रिजेस विजिबल थे, यहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा था। और फिर हम वहाँ पर थोड़ी देर रुके और हमने थोड़ी बहुत फोटोज़ भी क्लिक की जो मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर रुकने और फोटोज़ खींचने के बाद मैंने बहुत सारे शॉट्स भी लिए। उसके बाद हम हमारे जाने का टाइम हो गया था। सो गाइस, यहाँ पर जो फिसलन थी ना, मतलब एक पैर फिसला और सीधा खाई में दूसरी तरफ खाई थी, और इसलिए मम्मी, तनु और खुशी नीचे खड़े थे, सिर्फ मैं, पापा और मोहित गए थे ऊपर, बिकॉज बहुत ज़्यादा फिसलन थी यहाँ पर। ऊपर आते वक्त मैं भी फिसला था। यहाँ पर धीरे धीरे करके नीचे जाना पड़ता है। ना आने दो पहले। भाइयों तेरे को देखना तो आजा। नहीं आ रहा हूँ। भाइयों खतरनाक जगह है। भैया। आजा। सारे के साथ जा रही क्या? आजा भैया, आजा। ए सानो। अब चलते हैं। सानो। गाइस, ये वाली जगह देखो, ये वाली सबसे खतरनाक थी। आगे नीचे, और ये वाले तार तो एक बार में लग भी गए थे, बहुत नुकीले थे। सो अब चलते हैं वापस नीचे। आराम से। सो तनु तो नीचे फिसल गई थी, इसे ऊपर ले जाते तो इसका क्या हाल होता। सो गाइस, अब हमारा प्लान है वापस रोपवे में नीचे जाने का। उसके लिए हमें दोबारा एक घंटे की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। सो गाइज, हमें आधा घंटा या फिर 45 मिनट हो चुके हैं लाइन में खड़े हुए, और अभी तक हम बहुत दूर हैं। अभी तो बहुत लंबी लाइन है, आई थिंक आधा घंटा या 45 मिनट और लगेंगे। सो हम लाइन में खड़े हुए बोर हो रहे थे, तो फिर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। तो फाइनली इतनी देर के बाद हमारा नंबर आया वापस नीचे जाने के लिए। और वापस नीचे जाते वक्त जो मज़ा आया ना यार, वो तो ऊपर आते वक्त भी नहीं आया। मतलब नीचे जाते वक्त इतना बढ़िया नज़ारा था यहाँ से, ये देखो, बहुत अच्छा नज़ारा था नीचे जाते वक्त। साइड में बहुत बढ़िया पहाड़ था, और हमें नीचे जाते हुए लोग भी दिख रहे थे, लोग नीचे से क्लाइंबिंग करके ऊपर आ रहे थे ना।
और ये वीडियो मैंने बनाई थी पूरी ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। सो अभी नीचे पहुंचने में हमें 2 या 2.5 मिनट लगेंगे, इतने में आपको बता देता हूँ। अगर आपको भी उत्तराखंड में आकर रोप वे में आना है तो फिर आपको आपने लिए 4-5 घंटे तो निकालने पड़ेंगे, बिकॉज़ आठ लगे टिकट लेने में, और टिकट लेने के बाद 2 घंटे की वेटिंग होती है। 2 घंटे तक आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा, और फिर वेटिंग में जब आप ऊपर आओगे बहुत भीड़ होगी वहाँ पर, आपका 1-2 घंटे वहाँ चले जाएंगे, और जब आप वापस नीचे आओगे तो 1-1.5 घंटा वहाँ चला जाएगा। सो बहुत टाइम लगने वाला है, अपना 4-5 घंटे आराम से निकाल कर आना। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide. So ये जो कार हमारे सामने जा रही है केबल कार, उसमें मम्मी बुआ मोहित तनु हैं, और इस वाली में मैं खुशी और पापा। While I work, I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse, about the lies you go disperse, you never did I know it hurts, but something deep inside won't let me quit, I swear that I'm inspired by all this shit, tell me that I can and I won't, that's what guides me the most, you lies, I'll do what I want. तो रोप वे से आने के बाद हम थोड़ी बहुत बाज़ार में घूमे, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और फिर हम यहाँ गंगा नदी के किनारे आकर बैठ गए, बिकॉज़ यहाँ पर रात का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। जैसे फिर रात के 8 बज चुके हैं, हमने रोप वे के बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग की, थोड़े बहुत घूमे, फिर यहाँ आ गए नदी के पास। यहाँ पर अभी अभी नहाए, और सच बता रहा हूँ नहा कर इतनी ठंड लग रही है ना, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंडा पानी था यहाँ पर। और अभी रात के 8 बज चुके हैं, हम खाने का इंतजाम करते हैं फिर चलते हैं। हमारी ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। फिर वहाँ से हमने एक सेल्फी स्टिक बाय की और उससे बहुत सारे फोटोज़ क्लिक किए। सो गाइस, रात के 8:30 बज चुके हैं और ये अभी तक शॉपिंग कर रही हैं, पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जो इन्हें मिली नहीं रही है। फिर जब हम वहाँ से चले तो हमें याद आया कि हमने गंगा जल तो लिया ही नहीं। अच्छा याद आया, so depressed when I can't seem to get out, but something deep inside won't let me quit, I swear that I'm inspired by all this shit, tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most, you lies, I'll do what I want. तो गाइस, पार्किंग में तो आ चुके हैं, अब अपनी कार ढूंढते हैं, पता नहीं पापा ने कहाँ पार्क की थी। गाइस, पार्किंग लॉट पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें बहुत तेज भूख लगी थी तो हमने डिनर पार्किंग लॉट में ही पिन्नी बिछा कर कर दिया, पार्किंग में हमने डिनर कर लिया। हरिद्वार से बाहर आए हम और यहीं पर ही हो गया। सो है गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। कल रात हम 2 बजे घर आ गए थे, और 2 बजे घर आने के बाद सारे सो गए थे, मैं तो सीधा सो गया था, बहुत नींद आ रही थी मुझे। और आप मुझे बताना है कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, उत्तराखंड का ट्रैवलिंग ब्लॉग, और मुझे कमेंट में बताना कि आप ब्लॉग कैसा लगा और आपको उत्तराखंड कैसा लगता है, आप वहाँ गए हो या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, उत्तराखंड ट्रैवलिंग ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। बता रहा हूँ मैं, नहा कर रही थी, ठंड लग रही है ना, बस पूछो मैं।